अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो आज का अपना टॉपिक है वो है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। क्या है? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। समझो, यदि हम बात करें ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। क्लियर? तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब यहाँ देखो, जो मेल गैमेट था ये कहाँ बना था? मेल गैमेट मतलब यहाँ पे मान के चलो आप स्पर्म, और इसके मान को चलो कि ये यहाँ दूल्हे वाला रोल करेगा, और फीमेल का मान के चलो तो एग, और ये यहाँ किसका रोल करेगी? दुल्हन वाला, दुल्हन, दुल्हन, हाँ ठीक है, ये यहाँ क्या करेगी? दुल्हन वाला रोल करेगी और ये दूल्हे वाला रोल करेगा। जो दूल्हे का घर है वो कौन सा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल, और दुल्हन का घर क्या है? ओवरी। और ये दोनों सिटी के दूल्हे हैं, मतलब हाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों सिटी के हैं। मतलब गांव में क्या है कि अलग सिस्टम रहता है, सिटी में अलग सिस्टम रहता है। अभी थोड़ी देर तक ये सिटी के हैं, कुछ देर बाद ये गांव के हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो, सेमिनिफेरस टिब्यूल और ओवरी। अब यहाँ पे देखना, ये जो दूल्हा है ये बारात लेके दुल्हन के घर जाएगा, ये दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर जाएगा, और दुल्हन अपने घर में शादी इसकी नहीं होगी, इसकी स्वागत गार्डन में होगी। जो भी मतलब गार्डन होता है ना, इसका कहाँ होगा? किसी गार्डन में शादी होगी। और जहां पे इसकी शादी होगी, जिस गार्डन में शादी होगी, वहां क्या क्या सजा रहेगा कैसा, सबको पता ही है। पहले गांव में ना, पुराने जमाने में वो वाला टेंट लगता था, कौन सा वाला? ऐसे बीच में एक पोल गड़ा रहता था, चारों साइड ऐसे गोला तंबू टाइप का रहता था। तंबू नहीं देखे? नहीं, वो काला काला है। चलो, तो अब यहाँ पे याद रखना, तो पहले अपन ना सबकी कहानी समझेंगे कि दूल्हा कैसे बना, दुल्हन कैसे बना, पूरी कहानी देखो। तो सबसे पहले अपन बात करते बेटा स्पर्म की। शॉर्ट में देखेंगे तो स्पर्म जब पैदा हुआ, स्पर्म जहाँ पैदा हुआ वो था सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म पैदा हुआ। यहाँ से स्पर्म पैदा होने के बाद इसकी स्कूलिंग कहाँ हुई? मतलब नहीं, इसको एपिडिडाइमिस में तो नीट की कोचिंग करने गया था। प्राइमरी स्कूल सेमिनिफेरस, प्राइमरी स्कूल रेटे टेस्टिस, फिर ट्यूबली रेक्टि, फिर एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में इसने नीट की कोचिंग कर रहा था। नीट के बाद इसका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन के बाद इसको मेडिकल कॉलेज मिल गया लंबे समय के लिए। कहाँ गया? सेमिनिफेरस टिब्यूल, वो सेमाइनल वेसाइकल, हाँ सेमाइनल वेसाइकल में इसको मेडिकल कॉलेज मिल गया, और ये सेमाइनल वेसाइकल में लंबे समय तक रुका, 5-6 साल तक रुका। क्लियर? अब दुल्हन की बात करो, क्या वो तो रास्ता था ना, उसको अब शॉर्ट में बता रहा हूं ना अभी, है ना। एपिडिडाइमिस से सिलेक्शन हुआ, फिर गांव से दूसरे शहर में, फिर हाईवे पकड़ के, पूरा लंबा हाईवे था, फिर हाईवे में जब जा रहा था साइड में एक होटल भी था, रुका था थोड़ा सा एसीनस, फिर वहां से सीधे कहाँ पहुंचा? सेमाइनल वेसाइकल। वहां आराम से उसको खाना पीना सब कुछ मिला, और वहां लंबे समय तक वो रुका। सेमाइनल वेसाइकल में लंबे समय तक रुका स्पर्म, और स्पर्म वहां पे बहुत सारा एनर्जी वगैरह गेन किया, एजुकेशन गेन किया, जॉब वॉब लग गई, अब वो शादी के लायक हो गया। कहाँ पे? सेमाइनल वेसाइकल में। अब बात करेंगे अपन किसकी? फीमेल यानी एग की। तो एग मतलब लड़की को ज्यादा अलाउ नहीं रहता, अब गांव की है, है ना। तो ये लड़की कहाँ पैदा हुई? गांव में। डेवलप कहाँ हुआ? गांव में। स्कूलिंग कहाँ हुई? गांव में। मेडिकल कॉलेज कहाँ? गांव में। सब कुछ कहाँ? गांव में, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ? गांव में। अब वो घर से बाहर पहली बार तब निकलती है जब लड़के के घर जाती है, मतलब मंडप जाती है, तो वो वहीं से उसका सजी ओजी सब गांव के ही पार्लर में रेडी हुई वो, हाँ प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड पूरा रेडी। कहाँ हुई? गांव के ही पार्लर में रेडी हुई, और वो पार्लर से वो गीत क्या कर रही है?
ये यहीं पे रेडी हुई। रेडी होने के बाद ये जो एग है यहाँ से कहाँ निकल के गया, मतलब कि जो दूल्हन है पहली बार एग से निकल के कहाँ गई, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ से रेडी हुई, कैसे रेडी हुई, क्या हुआ, मैं अपन बाद में चर्चा करेंगे कि यहाँ से कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया किसकी कहानी, एग की। ये हो गई स्पर्म की। स्पर्म और एग दोनों का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, अब अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। क्लियर, इतना तो अपने कहानी बताना जरूरी था। अब इसको एक एक स्टेप आराम से समझना, जहां पे समझ में आए तो बता देना मेरे को। यदि हम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में देखो, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूज होने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब मैंने बोला था कि ये जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि किसी एक स्पीसीज का स्पर्म, मतलब सेम स्पीसीज के एक को ही फर्टाइल करेगा, अलग अलग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, जो अभी आप पढ़ोगे बाद में वो हार्मोन्स पढ़ोगे, लेकिन याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है कि एंजाइम की हार्मोन्स, क्योंकि इस चैप्टर में हर जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स। तो ये एंजाइम होते हैं, इसको स्टार लगा देना। क्लियर, अब स्पर्म में कौन सा एंजाइम होता है, देखो तो स्पर्म में होता है एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलिन बाइडिन और एंड्रोगैमोन। बोलो, एंड्रोगैमोन फर्स्ट एंड सेकेंड। इतने एंजाइम किसमें होते हैं, स्पर्म में। मतलब ये मान लो कि स्पर्म के इतनी सेना होती है जो स्पर्म को आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन। एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक डाउन, या ब्रेक डाउन में मदद करना, इस तरह से काम एंजाइम को होता है। और एग के पास कौन से होते हैं, फर्टिलाइजिन गैलेक्टोज गाइनोगैमोन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड्रोगैमोन और गाइनो गैमोन फर्स्ट एंड सेकेंड, याद रखना। अब मैं इसको बार बार A1 एंड A2 बोलूंगा, और इसको बार बार G1 एंड G2 बोलूंगा। कष्ट हो रहा है पूरा नाम लेने, समझ गए, क्या बोलेंगे, A1 A2 किसके, स्पर्म के की एक के, और G1 G2 किसके, याद रखना, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म का, फर्टिलाइजिंग एक का, बस ये याद रखो और ये दोनों याद रखो, मेन काम हो जाएगा। सुनो मेरी बात, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म को होता है और फर्टिलाइजिंग एक का होता है। क्या काम करेगा आगे हम देखेंगे। मेनली जो एंजाइम्स का काम होता है, इन सब का काम होता है तोड़ना, किसी को तोड़ना या घोलना, ले देखे बड़ी चीजों को छोटी चीज में कन्वर्ट करने का काम किनका होता है, एंजाइम्स का। स्पर्म के पास ये चीजें होती, एक के पास ये चीजें हैं। क्लियर, आ जाओ देखो यहां पे, ये दोनों कहां पे हैं, अभी ये जो एग है ये स्थमो एम्पुला जंक्शन में है। स्थमो एम्पुला जंक्शन में हमारा एग अभी पड़ा हुआ है। क्लियर, और एग का क्या है, बोलो एग का क्या है, जीवन की A1 जी है ना। तो ये जो एग है ना बेटा, ये जो एग है, एग के सरफेस में ये एंजाइम्स होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट एंड एंड्रोगैमोन सेकेंड, और स्पर्म में होते हैं एंड्रोगैमोन फर्स्ट और एंड्रोगैमोन सेकेंड। आओ अब यदि हम बात करें कि एग के अंदर जो G1 और G2 है, उसी टाइम पे सुनो, स्थमो एम्पुला जंक्शन में उसी टाइम पे जब यहां पे ओवुलेशन के समय एक पहुंच चुका है, एक्चुअल में हम इसको बोलेंगे ओवुलेशन के समय जब यहां पे जाता है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। जैसे स्पर्म वहां पे आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, यदि उसी टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उसी टाइम पे स्पर्म भी यहां पहुंच जाता है, यदि उसी टाइम पे स्पर्म यहां पहुंच गया, तो याद रखना एक चीज है ना, कि जब स्पर्म यहां पहुंचेगा, मतलब कि ये जो स्थमो एम्पुला जंक्शन है, यदि हम इसका अच्छा डायग्राम बनाए तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, पता है कैसा, थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब से हटके होता है,
ये थोड़ा ऐसा होता है। तो ये इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे सुनना एक बात ध्यान से, यदि यहाँ पे एग पहुंचा है और यहाँ पे स्पर्म पहुंचा है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी है, तो अपना मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहीं भी हो सकता था, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसी जगह क्यों हो रहा है? कुछ तो स्पेशल चीज होगी यहाँ पे। हाँ, बाकी फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ये वाला जो जंक्शन होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो यहाँ पे उनको रुकने के लिए स्पेस मिल जाता है। क्लियर? और बताऊँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर वाली लेयर में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट्स होती हैं, जो ऐसे धक्का देते रहते हैं, है ना। देखो देखो, अभी 3D दिखाऊंगा। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे धक्का देते रहते हैं, तो ये यहाँ आ गया। क्लियर? अब क्या होगा, देखो यहाँ पे स्पर्म जैसे ही एग के पास पहुंचता है, और ये सिनगैमी के समय जैसे एग के कांटेक्ट में स्पर्म आता है, तो एग कन्वर्ट हो जाता है ओबम में। जैसे स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, तो एग कन्वर्ट हो गया ओबम में, और इसके अंदर जो जीवन था वो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। अभी और कहानी आगे आएगी। तो हमारा जो जीवन है किसको, एक स्पर्म को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। जो G2 है, प्रोवाइड द लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को लुब्रिकेशन देता है। क्योंकि जैसे अब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में बहुत ज्यादा म्यूकस वगैरह नहीं होता है, तो एक लुब्रिकेशन देता है कि जिससे ये थोड़ा सा लुब्रिकेट हो, तो ड्राई नहीं रहेगा। यदि ड्राई नहीं रहेगा तो आसानी से चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, दोनों आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हूं। क्लियर? उसके बाद जो स्पर्म का A1 और A2 होता है, वो क्या करता है, A1 जो होता है कंजर्व एनर्जी इन स्पर्म। यदि स्पर्म की पूरी एनर्जी एग को ब्रेक करने में खत्म हो जाएगी, तो स्पर्म फिर अंदर जाके क्या कर पाएगा? तो स्पर्म की एनर्जी कंजर्व रहे, इस वजह से इसका जो A1 है तो इसके एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। जो A2 है, डिसॉल्व जिलेटिन लेयर, जो स्पर्म का A2 है, तो ये एग के जिलेटिन लेयर को घोलता है, है ना। और जब एग की जिलेटिन लेयर घुल जाएगी, तो हम स्पर्म आसानी से अंदर चला जाएगा। क्यों? देखो कितना सारा काम हो गया स्पर्म का, यहाँ कितना कोऑपरेशन हो गया। पहले तो भाई इसने एक्टिवेट कर दिया, दूसरे ने स्पर्म को लुब्रिकेशन दे दिया, चिकनाहट दे दिया, तीसरे ने एनर्जी कंजर्व कर दिया, चौथे ने एग की लेयर को घोल दिया। तो स्पर्म का कुछ तो हुआ ही नहीं। अब ऐसे भी नहीं होता, अभी सुनोगे, है ना। आओ, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो इतनी स्टेप आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन में इतनी स्टेप होती है, इनमें से पहली स्टेप क्या है, सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या होता है? हाँ, बस सिनगैमी मतलब इतना होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक एग है, और एग के सिर्फ कॉन्टेक्ट में स्पर्म आया है, ये सिनगैमी। बस एग अटैच, स्पर्म अटैच विद एग मेम्ब्रेन, जो स्पर्म है एग मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, ये होता है सिनगैमी। अब यदि हम एग की बात करें, तो पता है आपको, एग में दो लेयर होती है, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा, अंदर वाली जोना पेलुसिडा। तो अब जैसे ये कांटेक्ट में आया, तो स्पर्म के हेड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बोलो कोई, एक्रोसोम। एक्रोसोम एंजाइम्स होता है, ये एक्रोसोम कुछ केमिकल रिलीज करता है। अब वो केमिकल किसको घोलता है, कोरोना को, है ना। तो ये केमिकल जब कोरोना रेडिएटा को घोलता है, तो उसको बोलते हैं कोरोनल रिएक्शन, और जब जोना पेलुसिडा को घोलता है, तो उसको बोलते हैं जोनल रिएक्शन। समझ गए? तो देखो, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, तो पहले इसको घोलेगा, तो मतलब क्या, एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम की रिएक्शन दो से होती है, एक होती है कोरोना रिएक्शन, एक होती है जोनल रिएक्शन। जब कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करेगा तो कोरोनल रिएक्शन, और जब जोना पेलुसिडा को करेगा तो जोनल रिएक्शन। लेकिन सुनो, जो एग मेम्ब्रेन होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है, नहीं समझे? जैसे वो उसको घोलने जाएगा, उसमें अटैक करेगा ना, तो जैसे स्माइली वाली बॉल है, है ना। अब स्माइली वाली बॉल में मान लो कि अपन इस मार्कर को अंदर करेंगे, तो वो एकदम से नहीं टूटेगी, पहले अंदर थोड़ी सी दबेगी,
बचपन में गुब्बारा फुलाओ, गुब्बारे में से उंगली डाले तो क्या होता है, वैसे अंदर दब जाता है ना गुब्बारा, अंदर दब जाता है, जब वहाँ पे दब जाता है तो कुछ ऐसे कोन टाइप का नहीं बन जाता, ऐसे कोन टाइप का बन गया। अब इस पंप को पकड़ो, ऐसे कोन में घुसेड़ो, कोन में घुसा, जैसे इस पंप कोन में घुसेगा ये दरवाजा बंद हो गया, तो इसका फैगोसाइटोसिस। तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के बाद डिपोलराइजेशन ऑफ एग, मतलब एग की लेयर अंदर घुसेगी तो डिपोलराइजेशन, अंदर घुसेगी तो डिपोलराइजेशन, उसके बाद रिसेप्शन कोन फॉर्मेशन। जैसे स्पर्म गया वो रिसेप्शन मतलब एग वेलकम कर रहा है ना, तो जैसे वो स्पर्म उसके कॉन्टेक्ट में जाएगा वो रिसेप्शन कोन बनेगा और वो वेलकम करेगा और स्पर्म खुशी से चला जाएगा, उसको पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, अभी देखो उसको तोड़ मोड़ दिया जाएगा। क्लियर? तो रिसेप्शन कोन फॉर्मेशन, कोन बना, उसके बाद फैगोसाइटोसिस ऑफ एग, एग जो है उसका फैगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब जैसे इसकी तो इतना झटके से इसको बंद करता है ना कि इसकी पूंछ बाहर टूट जाती है स्पर्म की, और स्पर्म का सिर्फ मिडिल पीस और हेड ही अंदर जा पाता है, अभी बताऊंगा कैसे ये होता है। क्लियर? तो हो गया फैगोसाइटोसिस ऑफ एग, जैसे स्पर्म एग के अंदर गया तो अब वहां कॉर्टिकल रिएक्शन होंगे, मतलब स्पर्म का साइटोप्लाज्म और एग का साइटोप्लाज्म मिलेगा तो रिएक्शन होंगे दोनों केमिकल्स के बीच में, फिर प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर क्रोमोजोम मिलेंगे। क्लियर? अब आओ इसको कहानी को देखो, ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से सारी चीजें आपको समझना है, जो आपने पूरे स्टेप पढ़े ना, कौन कौन से, सबसे पहले बोलो, पहले क्या पढ़े, सिनगैमी, एक्रोसोमल रिएक्शन, कोरोनल रिएक्शन एंड जोनल रिएक्शन, उसके बाद कोन फॉर्मेशन, फैगोसाइटोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, है ना, ये सारे स्टेप आप याद रखो। तो चलो ये समझ लो, अब यहाँ पे कहानी समझना बहुत जरूरी है, आप ये समझो कि यहाँ पे जो एग है, जो एग है ये है दुल्हन, दुल्हन ही तो है, दुल्हन का चेहरा दीवाना लगता है, दुल्हन 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 ही तो लिखा था, दुल्हन ऐसे लिखते हैं दुल्हन, ओह क्या क्या ऐसे लिखते हैं, हाँ ये स्पर्म मतलब दूल्हा, याद रखना। क्लियर? अब सुनो, इनकी एक रेस होती है स्पर्म की, लाखों दूल्हे एक साथ जाते हैं स्वयंवर, है ना, इनका इनका क्या होता है स्वयंवर, कैसे स्वयंवर होता है, तो इनका स्वयंवर स्टार्ट हो जाता है, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज में वो गांव की लड़की गई थी तो सुंदर लड़की एक ही थी, लेकिन वहां पे कितने कॉलेज में थे, लाखों स्पर्म उस कॉलेज में थे, है ना, 10 लाख मान लो, 10 लाख लड़के उस कॉलेज में थे, और बस रेस कोई एक ही जीतेगा अर्जुन, है ना, रेस कोई स्वयंवर में तो अर्जुन ही जीते थे ना, तो रेस कोई एक ही जीतेगा, अब रेस कैसे जीतेगा, क्या कहानी होगी, कहां चीटिंग होगी, कहां अच्छे से होगा, तो समझो ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ना, ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, मान लो वो मंडप में तो सिर्फ विवाह होता है, वो एक और बनता है ना पूरा गार्डन, है ना, और गार्डन के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बनी होती, उसके अंदर हाँ वो मंडप होता है, जहां सामने पंडित जी, इधर लड़का, है ना, ऐसे बना रहता है ऐसा, मेरे को तो पता है ना, एक्सपीरियंस है और क्या पता है मेरे को। चलो देखो, सुनो 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 सुनो, ये हो गया एग और स्पर्म। अब पहले थोड़ी सी हम एग की बात कर लेते हैं, फिर स्पर्म की बात करेंगे। तो ओजेनेसिस के टाइम पे, ओजेनेसिस के टाइम पे ओवरी में बहुत सारी प्राइमरी ओसाइट होती हैं, बोलो हाँ, कितनी होती हैं, 400 से 500 प्राइमरी ओसाइट होती हैं, मतलब एक अंकल हैं, उनके 500 लड़कियां हैं, और उनके पास इतना लोड है कि हर महीने एक लड़की की शादी करना है हर महीने एक लड़की की शादी करना है। अब वो लड़की बहुत चतुरी है, नहीं खुद
ये जो लड़कियां है ना इनको पार्लर बहुत पसंद है। पार्लर हाँ ये तो है मालूम। एक गुरुजी का मैंने वो देखा था अभी शॉर्ट कि लड़कियों को वो 3.5 घंटे सजने में लगता है और फिर बोलती है 3 मिनट में शादी करा दो। मतलब पंडित जी को बोलती है 3 मिनट में शादी करा दो। शादी मतलब वो अद्रम बद्रम वाला करते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुनाथ ध्वजे स्वाहा ऐसा। तो देखो हो गया। सुनो तो ये जो मतलब पार्लर ये सुनो ना, ये जो टूयन है ये टूयन क्या हुई, अपने घर से गांव के किसी कोने में पार्लर की दुकान है वहां गई सजने। अभी मैं ओबरी का मैंने बताया था ना, तो ये यहाँ गई कहाँ गई पार्लर सजने गई। सजते सजते इसको समय काफी टाइम लग गया। इसने सजना स्टार्ट किया था पता है कितने तारीख से, 5 तारीख से। और सजते सजते 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ओवुलेशन 14 को हुआ था ना, तो है ना, तो कितना 14 तारीख तक ये सजी है ना। और जब उस टाइम तक ये सजी तो ना इसका ना इंगेजमेंट हुआ नहीं था क्योंकि ओबरी के बाहर जाने नहीं दिए थे, तो रिंग अपने साथ ले गई थी। मतलब सिस्टम इसके पापा ने ऐसा बनाया था कि आपको वहां से सज के डायरेक्ट गार्डन आ जाना है। ऐसा होता है ना, गाड़ी भेज देते हैं डायरेक्ट लड़की गार्डन बुला लेते हैं। तो यहाँ पे ये सजी और इसको कहाँ बुलाया गया, डायरेक्ट गार्डन। क्लियर? तो लेकिन इसके साथ एक गलती हो गई। हाँ अभी देखते हैं। तो ये जब यहां से आई तो ये लड़की क्या की, अपना रिंग जो है यहीं पे मतलब पार्लर में कहीं साइड में अपनी रिंग भूला या बिना रिंग लिए यहां आ गई। उसी टाइम पे जब ये अभी कहां थी, गार्डन में, पार्लर में, सॉरी, जब ये पार्लर में, हाँ तुम लोग अच्छा समझ में आ रहा है। जब ये कहां थी उस टाइम पे, जो लड़के थे तो अपने मेडिकल कॉलेज से दोस्तों को लेकर निकल चला था बारात लेके, कहां से, सेमाइनल वे साइकिल से, है ना, सेमाइनल वे साइकिल से बारात लेके निकल चला। वहां से कहां आया, प्रोस्टेट वाले पार्ट में, अब प्रोस्टेट वाले पार्ट से पेनाइल मिएटस के थ्रू चला गया वेजाइना में। अब जो वेजाइना होता है ना, तो तुम लोगों सुना होगा जब बारात आती है ना तो गार्डन पहुंचने के पहले एक जन्माश होता है, यू नो जन्माश, हाँ जो अरे डायरेक्ट बारात मंडप में थोड़ी जाती है। बारात क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे उनका गार्डन होता है थोड़ी दूर पहले रुकती है, वो बहुत दूर से आता है, उनको नाश्ता मास्ता कराया जाता है ना, तो क्या होता है जन्माश, मतलब वो जन्माश उसका कहाँ है, वेजाइना में। इसीलिए वेजाइना में चाय नाश्ता गुलाब जामुन 2-4 तो एक्स्ट्रा रखवा लिया जाता है ना प्लेट, तो वो वाला जो होता है वहाँ पे वेजाइना वाला पार्ट। तो वेजाइना में क्या होता है, इसको हमका बोलो कैपासिटेशन, बहुत दूर से आके थक गए थे ना, उनको चाय नाश्ता कराया जाता है। हालांकि आजकल की बारातियों का कैपेसिटेशन कुछ और होता है, आते वहां से 500 लोग हैं बारात में, बचते 4 ही 6 हैं और बाकी लोग गायब हौली में, यू नो हौली, हौली नहीं जानते, नहीं, अरे उनका वो रहता है ना दुकान, दारू की दुकान जाते हैं ना वो लोग गांव में, मेरे तो हौली बोलते, कलारी कलारी, समझ गए। अब देखो, अब ये सारे के सारे कहां पहुंच गए, वेजाइना में, सारे स्पर्म कहां है, अब वेजाइना से इनकी रेस स्टार्ट होती है। और ये वेजाइना के किस वाले पार्ट में रिलीज होते हैं, एक्सटर्नल ओस, और एक्सटर्नल ओस से मतलब कि जन्माश से इनको जहां शादी हो रही जहां मंडप, यहां जाने में इनको धीरे धीरे जाते हैं, टाइम लगता है क्योंकि सामने डीजे रहता है, नाचते मास्ते जाते हैं ना खुशी से, है ना, तो जितना स्पीड से वो वहां से आए थे ना उतने स्पीड से नहीं जाते। यहाँ वहां तो कार स्टार्ट किया 70-80 डायरेक्ट पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं। मैंने कल कितना समय बताया था, 3 से 4 घंटा मान लो, 3 से 4 घंटा इनको लग जाता है एक्सटर्नल यानी सर्विक्स से कहां जाने में, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? आराम से जाते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। मतलब अंदाजा करो कि जैसे जो फीमेल वाला ये जो मंडप पूरा सजा हुआ है, यहाँ पे जो दुल्हन के पापा हैं, दुल्हन के भाई हैं, जो घर वाले हैं, पहले सब काम में लगे रहते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि बारात नजदीक आ गई सब रेडी होने लगते हैं, कपड़ों पर चेंज करने लगते हैं ना, कपड़े चेंज करने लगते हैं, और दुल्हन के पापा नारियल और पैसे लेके आ जाते हैं दूल्हे को लेने गेट में, दूल्हा का दुल्हन के भाई आ जाते हैं बहुत सारे,
ये जैसे लड़का इस दरवाजे से जाने वाला है ना, तो यहाँ पे सब लोग आके इंतजार करते हैं, थाली माली लेके आरती मारते, ऐसे तो होता है। पीछे पांच दस बुआ लोग खड़ी होती हैं कलसा लिए, गाना गाती हैं बन्ना के सोहागे माँ ऐसे करके, है ना। तो ये यहाँ पे सब खड़ी रहती हैं ऐसे, ये इसके अंदर सब खड़ी हैं। नहीं तो पूरा एक्सपीरियंस खुद की शादी से थोड़ी नहीं, हम कुछ अब कुछ लूंगा तुम लोगों की शादी से दोनों हो गए। आओ देखो ये भाई साहब अब पहुंच गए कहाँ पे, अब ये गेम जीतने वाला है। अब ये इस पंप पहुंच गया किसके, दुल्हन के घर। अब ये इस पंप पहुंच गया दुल्हन के घर के एकदम मंडप वाले गेट में, यहाँ पहुंच गया है। जब यहाँ पहुंच गया ना, तो उस दिन पता है दूल्हा राजा नहीं महाराजा होता है। चारों साइड से इसके हेल्प करने में लगे हैं, इसके बराती वाले उसका मुकुट मुकुट बना रहे हैं, उधर घर वाले उसको सब हेल्प कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे इसको सब हेल्प करेंगे, है ना। इधर जीवन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, G2 क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, एक एनर्जी कंजर्व करेगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। दूल्हा तो अपने बाल खुद ही बना सकता है भाई, लेकिन वो चार पांच दोस्त आते हैं एक बाल बनाने के लिए, पांच दोस्त आएंगे और एक बाल को एक यहाँ पकड़ेगा एक यहाँ पकड़ेगा, तब जाके वो पूरा इधर जाता है, ऐसे भयंकर लेवल पे करते। चलो तो ये अब देखो सुनो, ये इसके एक मेम्ब्रेन पे पहुंचा, चारों चीजें G1 G2 A1 A2 इन सब ने इसकी हेल्प किया। और हेल्प करने के बाद यहाँ पे इसके भाई लोग खड़े हुए हैं। जब यहाँ पे इसके भाई लोग खड़े होते हैं ना, तो आजकल ऐसा रिवाज हो गया है कि जो दुबले पतले दूल्हे होते हैं उसको गोद में उठा लेते हैं, है ना, ले है ना, ऐसा होता है ना, भाई लोग गोद में उठा के ले जाते हैं ना मंडप तक, थोड़ा सा फोटो आ जाएगी साथ में ऐसा। तो ये जैसे दूल्हा यहाँ गया तो लाखों दूल्हों में ये हेल्दी वाला दूल्हा पहुंचा था। जैसे वहां पे 10 लाख दूल्हे आए थे, तो जो हेल्दी दूल्हा था वो यहाँ पहुंचा था, है ना। हल्का वाला दूल्हा यहाँ नहीं पहुंचा था, तो हेल्दी दूल्हे को उनने उठा के गलती कर दिया। अब दूल्हे का शेरवानी तलवार और वो ये पूरा मुकुट रहता है ना, अब जो पगड़ी, हाँ सॉरी मुकुट ही तो बोलते पगड़ी, सहरे का, हाँ सहरे का, जो सहरे में पूंछ निकली हुई रहती है ना, सहरे में पूंछ निकली रहती है ऐसे, देखो ये इसकी पूंछ निकली हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बात बोल रहा हूँ, जैसा ये इसके कॉन्टेक्ट में आता है, दुल्हन के पापा इसके ड्राइवर को मना मुना के अब इसको अंदर ले जाने वाले होते हैं। मतलब ये चारों लोग अपना काम कर चुके हैं, जब ये चारों अपना काम कर चुके हैं तो अब ये इसके अंदर जाएगा। जैसे इसके अंदर जाएगा तो जो दुल्हन के भाई लोग रहते हैं, जो दूल्हे के साथ बाकी लोग आए थे, तो ये तो अपना चांस मानने आए थे, तो अब ये यहीं कहीं साइड में डीजे में डांस कर रहे हैं सब, टुन्ने पिए खाए, है ना। और ये जो इसके दुल्हन के जो भाई लोग हैं, दुल्हन के भाई लोगों ने दूल्हे को उठाया, अब उनको लगा हल्का वाला दूल्हा होगा, जैसे इनने उसको उठाया वो छट गया हाँ, और उसकी पूछ ऊपर मुंडी ऐसा हो गया समझ गए ये कैसा हो गया। अरे हाँ सच में, और जब ये गिरा तो इसका जो पूंछ वाला पार्ट तो बाहर ही टूट के रह गया। तो देखो ये आ गया अंदर और इसकी पूंछ बाहर टूट के रह गई। जैसे ये अंदर आया इसकी बाहर पूंछ रह गई, अब ये जब अंदर चला गया ना, अब ये अंदर यहां पहुंच गया, यहां अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं ध्यान देना। ये पहुंच गया यहां, जैसे ये यहां पहुंचा तो आपको पता है और भी पीछे लगे हुए थे इस पंप, तो और भी इस पंप इसके पीछे ना चले जाएं, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई, क्या बोलते हैं, एंटी फैल्टिलिन मेम्ब्रेन, कई बार नीट में पूछा जा चुका है, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो होती है, अब जब यहां से रास्ता बन गया, चारों साइड बहुत सारे स्पर्म है, तो और भी स्पर्म इसके अंदर से ना जा पाए, इसलिए ये रोकती है, इसलिए क्या नाम है इसका, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। एग के बाहर की लेयर को कोरोना रेडिएटर, उसके अंदर जोना पेलोसिडा, सबसे अंदर प्राइमरी मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म इसके अंदर गया, मतलब जैसे ही स्पर्म मंडप के अंदर जाता है, तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है मंडप के अंदर, साइटोस्टैटिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। देखो प्रोटीन कैटाबोलिक एंजाइम, मतलब आधे बराती कहाँ चले जाते हैं, खाने के लिए,
उनको भी दूल्हे के सगाई मगर हम लोग भी नहीं मतलब रहता, लड़कों को कभी मतलब नहीं रहता। लड़का सिर्फ कहाँ जाता है, गेट तक, और गेट के बाद उसकी डायरेक्शन कहाँ, अखाने के बाद। हाँ, किन्ने बोला दारू। समझ गए, यहाँ क्या होगा, प्रोटीन साइटोस्टैटिक एंजाइम्स। बाकी लोग यहाँ खाने में स्टार्ट हो जाते हैं, जो मम्मी लोग रहती हैं तो साइटोस्टैटिक फैक्टर यहाँ स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसा दुल्हन एक के अंदर मंडप के अंदर जाता है ना, तो उस टाइम पे उस एग की सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हो जाती है। हाई मेटाबॉलिक रेट कब होती है, जब ये अंदर जाता है, मतलब जब पहली बार दूल्हा मंडप के अंदर आता है। आप लोगों ने देखा होगा शादी होदी में सबसे ज्यादा एक्साइटेशन वाला काम वही होता है। उसके बाद तो जैसे दूल्हे के एक दो घंटा हो गया फिर कोई नहीं देखता। स्टार्टिंग में सबसे पहले पहली झलक के लिए सब ज्यादा करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे दूल्हा अंदर गया, अब इतनी हलचलें होंगी तो लाइट भी जा सकती है, है ना। तो पहले से जनरेटर लेके रखें, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो जनरेटर है ना, हर काम करता है। यहाँ पे जो पियक्कड़ होंगे उनको बाहर फेंकेगा, जो अच्छे होंगे अंदर लाएगा, है ना। ये मतलब यहाँ पे दो चार ये बाउंसर खड़े हुए हैं, इनको जो भी यहाँ पे गड़बड़ दिखेगा उनको उठा उठा मंडप से बाहर फेंकते जाएंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनको अंदर लाता जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो इनने ज्यादा खा लिया या ज्यादा पी लिया, तो यहाँ का एसिडिटी बैलेंस करेंगे, पीएच वैल्यू गड़बड़ करेंगे, कि पीएच वैल्यू ऐसे गड़बड़ करें, मान लो एसिडिक पीएच कर दिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, इस पर मर जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एच प्लस आयन को बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिक बीएस मतलब इसके अंदर का पीएच मेंटेन करते हैं, मतलब कि कैटाबोलिक मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, देखो स्पर्म अब अंदर पहुंच चुका है, अब स्पर्म कहां जाएगा, एग के पास। उस टाइम पे इसके अंदर का चार्ज जो नेगेटिव होता है और बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो तभी तो ये चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहां से जब ये स्पर्म अंदर जाता है ना, तब यहां से व्हाट्सएप में आ जाता है मैसेज। हाँ, यहां पे मैसेज आ जाता है कि भाई तुम भले आ गए, अब कुछ भी और रिंग तुम्हें पार्लर भूल आई। हाँ, मतलब यहां से मतलब मैसेज आ जाता है कि मैं रिंग कहां भूल आई हूं। अब इसको टेंशन और क्या, दुल्हन तो ठीक है, चलो उसको ज्यादा से ज्यादा डांट मिलेगी, ये बेचारा कहां से कितना दूर से आया है, तो इसको टेंशन हो जाती है। फिर ये बनाता है बहाना अपने मामा को, मामा रहते हैं आसपास, पापा लोग नहीं रहते, मामा को बहाना बनाता है, बोलता है यहाँ जाने के बाद मामा को बोलता है मामा नेचुरल कॉल। और अब वो ऐसा बहाना है ना कि कोई मना भी नहीं कर सकता, है ना। तो अब ये क्या करता है, ये जो बहाना बनाता है मामा को, और ये चला जाता है कहाँ पे, उसके गांव के बाहर एक छोटी सी मार्केट थी, तो वहां से बात मात जुगाड़ मुगाड़ करके वो रिंग लेने जाता है, लेकिन रिंग उसको वहां मिलती नहीं है, क्योंकि रात हो चुकी थी 12 बजे। तो उसने क्या किया, अपनी महंगी वाली रिंग दे के दो सस्ती वाली रिंग ले लेता है, मतलब जो इसका न्यूक्लियस होता है उसको डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना देता है। और फिर ये भी मैसेज करता है पीछे वाले गेट पे आ जाओ, ये पीछे वाले गेट पे इसको बुलाता है और ये इसको एक रिंग दे देता है, है ना। और फिर ये क्या करता है, सीधे जहां से अंदर गया था ना वहां से एक की यूनिडायरेक्शन में सीधे जाता है, जिसको बोलते हैं एसपीपी, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। मतलब स्पर्म अंदर गया तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। तो ये अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। जब वहां से स्पर्म आ रहा होता है तो तब दोनों की व्हाट्सएप में बात चल रही है, वो भी पार्लर से निकल चुकी है, तो उस वो भी आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग एग आ रही है, तो नहीं एक पेनिट्रेशन पाथवे होगा, स्पर्म कॉपुलेशन पाथवे, एक पेनिट्रेशन पाथवे, ठीक है, नहीं नहीं सही है, ये होगा। अब वहां से एक, क्योंकि एक तो अंदर ही है, क्या ही पेनिट्रेट करेगी, एक तो उसके अंदर है, तो क्या आ रहा है, ये एग यहां से आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग कॉपुलेशन पाथवे। जब स्पर्म यहां सीधा सीधा गया ना, तो फिर स्पर्म को पता चलता है कि यहां पे, तो यहां पे सिर्फ दुल्हन के पापा मिलते हैं, दुल्हन यहां थोड़ी रहती है, जहां शादी होती दुल्हन तो वहां रहती है, जहां स्टेज बना होता है,
तो फिर इसको लगता है कि यार इधर तो कहानी है नहीं, तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म कॉपुलेशन पाथवे, एग कॉपुलेशन पाथवे, दोनों में यहां, दोनों यहां पे आके वर वधु को माला बोलते हैं कि जयमाला, वरमाला, हाँ जयमाला भी अलग है ना। तो इसको देखो सब पता है भाई, एक एक चीज, कहाँ दुकान है, क्या मिलेगा, है ना। तो इसको क्या बोलना है, वर वधु को जयमाला वरमाला पहनाए। ये दोनों देखो, ये दुल्हन के हाथ और ये दूल्हे के हाथ, वो पता नहीं चलते है ना, क्योंकि वो कैमरा वाला ऐसे उस टाइम की स्माइल थोड़ी आ रही होती है, वो तो देना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे दोनों का जयमाला हुआ। जयमाला होने के बाद अब जो दूल्हा है दुल्हन को लेके चला जाता है अपने घर, तो उसको बोलते हैं कॉपुलेशन पाथवे। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिला, प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस मिला तो कैरियोगैमी, फिर यहाँ क्रोमोजोम मिलते हैं तो एम्पी मिक्सिस। अब देखो ये जो लड़का है दुल्हन को लेके अपने घर चला गया है ना। अब जब ये अपने घर जाता है ना, तो लड़के का एक अलग से रूम रहता है। ये देखो ये लड़के का एक अलग से रूम है, लेकिन इसके चाचा बहुत बेकार थे, और इस लड़के के रूम पे ना एक विंडो बना हुआ था, और इस विंडो में यहाँ पे न्यूपोर्ट खड़े थे, न्यूपोर्ट। और न्यूपोर्ट ने देख के पूरी दुनिया को बता दिया क्या, कॉपुलेशन पाथवे की प्रोसेस पूरी दुनिया को बता दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूपोर्ट ने पूरा बता दिया, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम देखा किन्ने था, न्यूपोर्ट ने। और इनने न्यूपोर्ट में सबसे पहले जाके किसको बताया, इली लिली को। हाँ इली लिली, अरे ई इली लिली, इन्नो बता दिया। और इली लिली ने फिर जब यहाँ पे न्यूपोर्ट ने यहाँ देखा, इली लिली ने जाके रैबिट में देख लिया, और मेढक सॉरी फ्रॉग। ये लेकिन फिर भी थोड़ी सभ्य थी, क्योंकि फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब सुनो ये हो गए, अब यहां से दोनों बन गए 2M, क्या बन गया दोनों। अब क्या होगा देखो, जब अब देखो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बहुत आसान है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों न्यूक्लियस मिले, और दोनों न्यूक्लियस अभी मिले भाई फैलोपियन ट्यूब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। यहां दोनों मिल गए, और बाहर एक लेयर है जोना पेलुसिडा, बाहर कौन सी लेयर है, और ये बन गया जाइगोट। ये अब क्या होगा सुनो, जैसे ये है ना अपना फैलोपियन ट्यूब, पता है आपको फैलोपियन ट्यूब में किसी के पास सिक्का है 5-10 का, नहीं है तो छोड़ दो है। हाँ देखो इधर, ये जो है ना ये जाइगोट है, क्या है, ऊपर एक अलग कलर है, बीच में अलग कलर है। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ ना, अब ये यहाँ ऐसे ऐसे घूमते घूमते आ रहा है, नहीं समझा है, ये यहाँ है, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते, ये जब घूमते घूमते आता है तो इसकी जो लेयर है जोना पेलुसिडा का, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, बीच के सेल में डिवीजन हो रहा है, और ये घूम रहा है कंटिन्यू, ये घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो फैलोपियन ट्यूब की जो लेयर है अंदर वाली, सेलोसा वाली जो लेयर है, म्यूकोसा वाली सॉरी, तो इसमें फ्रैक्शन होता है, और धीरे धीरे जोना पेलुसिडा डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, टूट जाती है। दो वजह से टूटती है, पहला रीजन ये है कि जो जाइगोट का साइज बढ़ता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक लेयर कवर कर रही है ना, जैसे मान लो कि ये जाइगोट है, जाइगोट को कोई लेयर कवर कर रही है, कोई लेयर कवर कर रही है, तो अब इसमें बार बार फ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार फ्रैक्शन हो रहा है, प्लस अंदर का साइज बढ़ रहा है, तो इसमें डबल प्रेशर लग रहा है, एक तो ऊपर से फ्रैक्शन लग रहा है और नीचे से साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फैलेगी तो पतली होती जाएगी, और ऊपर से फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन की वजह से टूटती जाती है, तो एक समय बाद जो अपनी जोना पेलुसिडा लेयर रहती है वो टूट जाती है, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डिवीजन हुआ, दो सेल स्टेज बनी, दो सेल स्टेज अभी यहीं बनी, अब ये यहाँ से जो इसका ये है क्या बोलते हैं, जो इसका यूट्रस है, यहाँ पे 6-7 दिन में पहुंचेगा, 6-7 दिन की क्या प्रोसेस है हम वो देखते हैं, क्लियर। तो कितना, 2-4, 4-8, 8-16, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूं, 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलेंगे, मॉडुला स्टेज। क्यों बोलेंगे मॉडुला स्टेज, पता है ना,
मलबेरी, क्या हिंदी में सहतूत? देखे हो ना मलबेरी का फ्रूट, ऐसे मलबेरी फ्रूट्स जैसे ये स्टेज दिखता है, इसलिए हम इसको मोरूला स्टेज बोलते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर की सेलें हैं ना, सेलें बहुत यहाँ दिमाग लगा लेना, जो इसके अंदर की सेल हैं वो सेल दो परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं। ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक नीचे लेयर बन जाती है। ऊपर वाली लेयर देखो वाइट कलर की, उसको हम बोलते हैं आउटर सेल मास, नीचे वाले को बोलते हैं इनर सेल मास। आउटर सेल क्योंकि बाहर सेलों का अरेंजमेंट है, अब बहुत सारी है तो बोलते हैं बहुत सारे नंबर को मास में देखते हैं, तो होता है आउटर सेल मास, ये इनर सेल मास। आप वहां पे लिख देना आउटर सेल मास और नीचे वाली होती है इनर सेल मास। अब क्या होगा ध्यान से समझना, ये और फैलेगा, जब और फैलेगा तो बाहर जोना पेलुसिडा और पतली हो जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी और ये आपस में जुड़ के बना देंगी ट्रोकोब्लास्ट। ऐसा ये देखो, जो ये जोना पेलुसिडा है और पतला हो गया, ये देखो ये पूरी की पूरी जो है ये बन गई ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर सेल मास थी वो पूरी ऊपर अटैच हो गई। अब बीच में जो जगह बची ब्लास्टोसील, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चेंजिंग हुई है। आउटर सेल मास, बाहर पतली लेयर, मतलब अंदाजा कर लो ऐसे बॉल का एक मोटा लेयर है, उसको आप ऐसे फैला दोगे तो क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी और बड़ी सी हो जाएगी। उसको हमने बोल दिया ट्रोफोब्लास्ट, जो अंदर इनर सेल मास थी वो ऊपर जाके अटैच हो गई है ना, और अटैच होने के बाद यहाँ पे जो जगह बची उसको हमने बोल दिया ब्लास्टोसील और इस स्टेज को बोल दिया ब्लास्टुला स्टेज। तो पहले जाइगोट, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला, जाइगोट मोरूला ब्लास्टुला, ये बन गया ब्लास्टुला स्टेज, क्लियर। और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट क्लियर दिखने लगा। अब जोना पेलुसिडा इस फैलोपियन ट्यूब में ऐसे यहाँ पे फ्रिक्शन हो के जोना पेलुसिडा खत्म हो गया और ट्रोफोब्लास्ट देखो ऐसा बन गया। ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट और ये हमारा जो ब्लास्टोसील हो गया, इनर सेल मास ऊपर अटैच हो गए है ना, इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट। अब क्या होगा, जो हमारे इनर सेल मास थे ना बीच में गैप हो जाएगा, इनर सेल मास में कुछ सेलें ऊपर अटैच हो जाएंगी, कुछ नीचे पट्टी में अरेंज हो जाएंगी। तो जो पट्टी में अरेंज हो गई वो बना देती है एंडोडर्म, जो ऊपर पट्टी के ऊपर जो ये वाली है देखो, ये वाली पट्टी बना दिया, इन वाली ने अटैच होके क्या बना दिया एक्टोडर्म, और ऊपर वाली यहां पे जाके बना दिया एमनियोटिक सेल, एमनियोजेनिक सेल। पूरा इनर सेल मास का कमाल है भाई, आउटर सेल मास सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट बनाई है, इनर सेल मास पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो क्या करती है, नीचे वाली लेयर एंडोडर्म जो उससे जुड़ी हुई थी एक्टोडर्म, और ऊपर की एमनियोजेनिक सेल। जो एमनियोजेनिक सेल है वो कुछ लिक्विड निकालती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, एमनियोजेनिक सेल कुछ लिक्विड निकालती है जहां हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं जिनको हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता करते हैं कि इसको कोई बीमारी है या नहीं, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, समझ गए, वो यही वाला फ्लूइड होता है। हाँ ना, यहां से पता भी चलता है कि मेल है कि फीमेल, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स बाई क्रोमोजोम होता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहीं से पता करते हैं, तो ये होता है एमनियोजेनिक सेल। अब अच्छे समझ में आ गया, अब नहीं भूलेगा कि क्या था एक्चुअल में, वो एक्चुअल में ये कहानी थी, क्लियर हुआ, क्योंकि यदि हम डायग्राम बताते ना तो नहीं समझ में आता। तो ये एक्चुअल कहानी ये है कि ये है एमनियोजेनिक फ्लूइड और यहीं पे ये एमनियोजेनिक सेल होती है, एमनियोटिक कैविटी होती है और ये होता है ब्लास्टोसील। सुनो, ये ब्लास्टोसील अब आगे जाके योक बनाएगा जो ब्लड बनाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लिविंग वाले कैरेक्टर आने लगे ना जी, जब लिविंग वाले कैरेक्टर आए तो एनर्जी भी तो चाहिए और एनर्जी किस कौन देगा, ब्लड। तो ये आगे चल के क्या बनाएगा, योग, क्या बनाएगा, और ये बनाएंगे ऑर्गन, और ये योग जो बनाएगा वही आगे चल के डेवलप होता जाएगा, लीवर बोन ये सारी चीजें बनती जाएंगी, क्लियर। आओ तो ये देखो, ये हो गया बेटा क्या, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बाहर ये एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक कैविटी, योग शयक फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी योग शयक। जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस में योग शयक बहुत कम होता है, तो जो ह्यूमंस होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है,
ह्यूमन में जो योक होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, लेसिथल मतलब योक। तो इंसानों में या तो आप माइक्रो बोल दो या लगभग अब्सेंट होता है एलेसिथल, या तो अब्सेंट होता है लगभग या बहुत कम अमाउंट में होता है। किसमें? ह्यूमन में माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल, ये हो गया। अब आगे क्या होगा देखना, अब आगे कुछ ऐसा होगा। देखो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा ये एंडोडर्म, हाँ एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक कैविटी, योक सैक कैविटी, एक्चुअल में सेकेंडरी योक सैक बन जाता है। सेकेंडरी योक सैक मतलब ये अपने फंक्शन फॉर्म में आ जाता है, क्लियर। और अब क्या होगा, जो एमनियोजेनिक सेल होती है ना, एमनियोजेनिक सेल में अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट था वो लगभग, ट्रोफोब्लास्ट भी अब खत्म होने लगता है, क्योंकि अब ये पता कहाँ पहुंच चुका है, ये अब घूम घूम के यहां पहुंच चुका है, ये यूट्रस वाले पार्ट यहां पहुंच चुका है कोने में, फैलोपियन ट्यूब और इसके जॉइंट में पहुंच चुका है। अब ये जस्ट यहां पहुंचने वाला है, जब यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचने के लिए कहते हैं ये स्टार्क, फ्यूचर कनेक्टिव स्टार्क, मतलब अब ये बच्चा यहां क्या है ऊपर, यहां यूट्रस वाला पार्ट है, यहां यूट्रस वाला पार्ट है, तो स्टार्क अब जाके यूट्रस से जुड़ेगा, और जब वो जुड़ेगा तो जो फ्यूचर स्टार्क कनेक्टिव है ये कन्वर्ट होगा कोरियोन में, किसमें, और वो निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन, समझ में आया। और ये सब इनर सेल मास का कमाल है, किसका कमाल है, इनर सेल मास का। तो अब ये देखो ऐसे हो जाएगा आगे, ये वहां ऊपर अटैच हो चुका है, ये ऊपर अटैच हो चुका है, बना दिया है कोरियोन, और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। और जो अपना एक्टोडर्म है, मैं लिखा नहीं हूं समझ जाओ, जो अपनी एक्टोडर्म है ना बेटा, एक्टोडर्म से यहाँ पे कुछ निकलता है स्ट्रीक टाइप का, स्ट्रीक मतलब उभार, एक्टोडर्म में यहाँ पे निकलता है कुछ उभार टाइप का, और ये जो उभार होता है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये मेडिकल कॉलेज वाली चीजें हो गई, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन अब क्या कनेक्टेड है थोड़ी सी पढ़ लो, क्लियर। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, और जहां प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोकॉर्डियल स्ट्रीक बनता है जो कि हेड बनाता है और पीछे टेल। तो ये बच्चा सीधा पैदा होगा, क्योंकि पहले सर बाहर निकलेगा, है ना, ये वेजाइना साइड हो गया ना, तो पहले सर बाहर निकलेगा, पैर पीछे है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा सीधा पैदा होता है। और जहां प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है, जहां प्रिमेटिव स्टीक होता है, प्रिमेटिव स्टीक कुछ केमिकल या कुछ मतलब सिक्रीशन करता है, कुछ फ्लूड सिक्रीट करता है, देखो ये, और ये जैसे यहां पे सिक्रीट कर दिया, इसने यहां गिरा दिया, तो यहां खाली जगह था, तो ये इधर पूरा फैल जाता है, और ये फैल के ये वाला बना देता है मेसोडर्म। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो कौन पहले बनती है, तो पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म। बच्चा पता है सीक्वेंस में बोल देता है ऐसा, एंडो मेसो एक्टो, नहीं पहले कौन, एंडो एक्टो मेसो, क्लियर। कभी कभी क्या होता पता है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ना बीच में बन जाता है, ले ये इसके बाद का नहीं है, ये अथवा ये है। अब यदि ये बीच में बन गया तो क्या दिक्कत आएगा, सुनो, ये बीच में यहां बन गया प्रिमिटिव स्टिक, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, प्रोकॉर्डियल प्लेट, और ये बना देगा हेड, और ये बना देगा टेल। अब बच्चा हो गया आड़ा, ऐसा हो गया, ये बच्चा हो गया आड़ा, बच्चा हो गया ऐसा। अब इस तरह की प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं सिजेरियन प्रेगनेंसी। दो तरह, तीन तरह की प्रेगनेंसी होती है, बच्चे का सर पहले बाहर आता है तो सीधा, पैर पहले बाहर आता है तो उल्टा, बच्चा यदि आड़ा हो गया जिसको ऑपरेशन करके निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सिजेरियन प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? और जो सिजेरियन प्रेगनेंसी होती है इसका नाम सिजेरियन कैसे दिया गया, सीजर से काटेंगे तो सीजर के नाम से क्या दे दिया गया उसको, सिजेरियन। ये एकदम गलत जवाब है। अरे सीजर, जब तुम कैंची से पेट काटोगे तो कैंची का एक मुंह पहले घुसेड़ोगे ना, अरे कैंची से कैसे काटोगे बताओ, मान लो ये मटकी टाइप का है, हेलो ये ऐसे है, अब यहां से यदि तुम कैंची का एक हुक घुसेड़ोगे तो वो हुक बच्चे को नहीं लग जाएगा,
अरे यार क्या घुसेगा ना सीधी सी बात। तो ये तो पक्का है कि कैंची वाला तो सिस्टम नहीं है। हाँ चलो इसकी कहानी बताता हूँ सुनो। पहले पहले सीजे पहले सीधा और उल्टा तो पता चलेगा। जो सीजेरियन प्रेगनेंसी है, अलग अलग यूट्यूब में बहुत सारे मास्टर बोल देते हैं, मैंने सुना हूँ, तो उसमें ना सीजेरियन से नाम नहीं होता है। जो सीजेरियन प्रेगनेंसी का एक्चुअल चीज है वो एक देश था रोम। रोम एक देश था, वहां के जो राजा थे उनके चार पांच रानियां थी, लेकिन जो उनकी और कोई भी मतलब उनमें कोई भी रानी में ऐसा प्रॉब्लम था कि कुछ भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो उनकी जब सबसे बड़ी वाली महारानी थी, कुछ दवाई मवाई खिला के कुछ करके उनको प्रेग्नेंट किया गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो पार्चुरेशन का समय आया तो पता चला कि उनका बच्चा आड़ा हो गया। तो दो कंडीशन थी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा मतलब डेवलप तो था नहीं, तो कंडीशन दो थी। पहली कंडीशन, या तो आप रानी को मार दो, पेट काट दो, बच्चा बाहर निकाल दो। और दूसरा कंडीशन ये था कि या तो आप बच्चे को मार दो पेट में ही और रानी को बचा लो। अब ये दोनों डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन है, क्योंकि राजा का मतलब कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को या किसी को भी फालतू दंड ना दे। मंत्रिमंडल बुलाया गया पूरा, ये एकदम एक्चुअल कहानी है। पूरे मंत्री मंत्री सब इकट्ठा हुए, सबने आपस में चर्चा किया, बोला यदि चलो ठीक है, यदि अपन रानी को मार देते हैं तो राजा के पास अब वो कैपेसिटी नहीं है कि नया बच्चा कर लें, और यदि हम बच्चे को मार देते हैं तो इस राज्य का कोई वारिस नहीं बचेगा। तो फिर ये डिसीजन लिया गया रानी की सहमति से कि चलो ठीक है, और भी रानियां हैं, अब रानी का उम्र तो हो ही गया है, 20-25 साल बाद बनी जाएंगी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, रानी को मार दिया और उनके बच्चों को बचा लिया। और जो रोम देश का जहां के वो राजा थे उस जगह का नाम था सीजर। जैसे हमारा पूरा भारत है, अब भारत में ग्वालियर, दिल्ली, अलग अलग जगह है ना, तो रोम देश का जो रोम देश था उस कंट्री में जहां के वो राजा थे उस राज्य का नाम था सीजर। इसीलिए उस राज्य के नाम से इस प्रेगनेंसी को नाम दिया गया सीजेरियन प्रेगनेंसी। वो कैंची वाला सिस्टम नहीं है, समझ गए? तो ये हो गया क्या, ये हो गया सीजेरियन प्रेगनेंसी। कैसे दिया गया, समझ में आ गया ना? तो फिर क्या होता है, बच्चे का जो यूट्रस का जो लोअर वाला पार्ट हो, जैसे ये यूट्रस है, कोई तो सुन लो, ये यूट्रस है, कट कहां लगाएंगे, यहां कि यहां? ऊपर थोड़ी लगाएंगे, इंटेस्टाइन थोड़ी निकालना है। कहाँ लगाएंगे, नीचे कट, अपन नीचे नीचे कट लगाएंगे। अब बच्चे को पकड़ के ऐसे सिर्फ होता ना, नहीं रोएगा तो वो भी तो दिक्कत है ना, ऐसे। ये हो गया क्या, सुनो, ये एक्टोडर्म, सॉरी, ये एंडो मीजो एक्टो, ये है टेल और ये है हेड। अब इनमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हेड और टेल जो हैं इरेक्ट से एक पोस्चर में बनने लगेंगे, कर्व होने लगेंगे। हमारी बॉडी जैसे कर्व है ना, तो देखो जैसे ये इधर मुड़ सकते हैं, इधर नहीं मुड़ सकते। हम लोग जब पेट में थे तो कैसे थे, याद है ना, ऐसे 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 करके ऐसे। अरे तो देखे होगे ना वीडियो वीडियो, कई बार देख रहे हो बच्चा कैसा रहता है ऐसी। इसीलिए हम लोग हमेशा आगे पूरा झुकते हैं, पीछे कहाँ झुक पाएंगे। वो अलग है, वो मतलब थोड़ा सा लोग ऐसा करके कुछ इतना भी नहीं झुकते, लेकिन ये अरे कमर, हाँ वो जादू वाले होते होंगे, हाँ डांसर होते हैं। अच्छा सर्जरी करवाते होंगे, हाँ ये हो गया, समझ में आया, ये हो गया, ये क्या हो गया, कर्व होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद ये और कर्व हुआ, ये और ज्यादा कर्व हुआ। डायग्राम बस देखते जाओ, तो इसमें ऐसी टाइम लगा था बस, है ना। इसके बाद ये देखो ध्यान से, जो एंडोडर्म वाली चीज है, एंडोडर्म के ऊपर जो मीजोडर्म है, अब इस मीजोडर्म में मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। और ये पता है, ये जो एलन टॉइस वाला पार्ट है, अब ये अम्ब्रिकल कॉर्ड वाला पार्ट है। ये पेट है ना जी, ऐसे मुड़ा है, तो पेट में यहां नाभि होता है, और ये कहां से अटैच होता है, कोरियोन से। कहां से अटैच होता है, कोरियोन से।
और ये देखो ये जो मिजोरम वाला पार्ट था ना, इसमें देखो इसका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ये न्यूरला स्टेज है ना, याद रखना, जाइगोट मॉरुला ब्लास्टुला न्यूरुला है ना। इसमें क्या होगा देखो, ये बेटा एक न्यूरल ट्यूब है, क्या है, न्यूरल ट्यूब है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट मतलब ब्रेन वाला बनाएगा। ब्रेन अपना यहाँ है और हाइपोथैलेमस, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन यहाँ है और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है, तो ये ब्रेन की ऐसे पूंछ निकलेगी, पूंछ में ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ होता है यहीं से बगल में जहां और कहां जो रहा है, हाँ ये अरे एक बार फिर बना देता हूँ। चलो तो ये थैली और यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन जाता है, देखो ऐसे ही रहता है स्टार्टिंग में है ना, और यहाँ पे ऐसे रहता है ना। ये अटैच होता है कहाँ से, नाभि से, ये कोरियोन्स होते हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो इसमें आप इतनी चीज़ें याद रखो कि जो न्यूरल ट्यूब होती है वो बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इधर पे जो अपना नोटो, सॉरी ये न्यूरल ट्यूब का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। बाहर वाला सोमैटिक एक्ट्रोडर्म्स होता है जो हमारा स्किन या स्किन डेरिवेटिव, स्किन डेरिवेटिव में क्या आएंगे, नेल्स ग्लैंड्स, ये सब ये वाला चीज बनाता है, क्लियर। बाहर एक और होता है नोटोकॉर्ड क्रेस्ट जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है ना, ये बनाएगा सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, ये सब स्पाइनल नर्व, ये सब ये बना देगा, क्लियर। और यहाँ पे सेंस नोड भी होते हैं, सेंस नोड हमारी बॉडी में जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ये बना देता है। तो अपन ने पढ़ लिया क्या, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्लस ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, पूरा एम्ब्रियो का अपन ने डेवलपमेंट देख लिया। एक क्लास और बची है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्चुरेशन लैक्टेशन, पार्चुरेशन लैक्टेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये कल तीनों खत्म हो जाएगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा।